तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैम टू ब्लॉग्स। तो आज हम अपनी स्कूटी में हैंडल प्रोटेक्टर लगाएंगे, जो कि आपने देखा होगा टीवीएस एंट्रॉक के साइड में लगे होते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाई तो होते हैं ये होते हैं साइड में जो हैंडल के लगे होते हैं, ताकि अगर आपकी बाइक थोड़ी दी जाए तो साइड का जो हैंडल के जो साइड में किनारा होता है वो घिसे ना, इसीलिए कंपनी लगा के देती है। तो आज हम अपनी स्कूटी में अप्रीला में ये लगाएंगे। तो मैं आपको पूरी किट दिखाता हूँ कि किट कैसी होती है और कैसे वर्क करती है और किस तरह से लगाया जाएगा उसमें। और ये बहुत हैवी है, मैं पूरा लोहे का है, और इसे आपकी स्कूटी एकदम सही रहती है। अगर कभी गली वली में आप खड़े करते हो, कभी अभी स्कूटी गिर जाती है तो जो जो रगड़ लगती है ना, तो पूरा हैंडल को सेफ रखती है उस साइड किनारे में, तो इसलिए ये लगाया जाता है उसमें। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो आज मैं अपनी अप्रीला में ये लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि आपको कैसे लगता है, तो प्रोसीजर क्या है इसका। तो फिर मिलते हैं। तो गाइस, ये तो मैंने अलग से खरीदे थे, तो इसके साथ ये पूरी किट नहीं आई थी, तो ये मैंने आफ्टर मार्केट खरीदी थी। ये मेरे को पूरी ये नट छोड़ के ये और दो 100 रुपये के पड़े थे, और नट अगर आपको लेने हैं तो 10-15 रुपये के पड़ेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट किट है, ये वाली, ये पूरी कंप्लीट किट होती है। और ये मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो ये तो अंदर जा रहा है, मगर हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इतना कट कर देना है ताकि ये अंदर चला जाए, और ये अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इतना कट कट इतना अंदर हो जाएगा। इसे हमें पूरा काट देना है, यहाँ से इतना इतना काटना है पूरा। काटने के बाद फिर ये ऐसे प्रॉपर ऐसे आ जाएगा, और ये जो रबड़ है ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे पूरा वर्क करेगा पूरा का पूरा। तो अभी हम फटाफट से इसे कट कर लेते हैं, इस पार्ट को हमें यहाँ से इतना कट कर लेना है यहाँ से, ताकि ये हट जाए, और इतना हमें ये पार्ट चाहिए। हमें दोनों के साथ, हमें इस वाले पार्ट के साथ भी यही करना है। तो फटाफट से हम कट कर लेते हैं इसे। तो गाइज, मैंने ये पूरा कट कर लिया है, यहाँ से पूरा कट कर लिया, और ऐसा हो गया ये पार्ट अलग हो गया है। ये जाएगा इसके अंदर ऐसे, और ये यहाँ से ये चूड़ी यहाँ से कसी जाएगी ऐसे करके, ये ऐसे हो गया है। अब मैं यहाँ से कसूंगा तो ये चूड़ी जो है पूरी फैलती जाएगी, तो ये अंदर से जो पकड़ होगी पूरी बन जाएगी और ये बिल्कुल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि ये रबड़ को मैं फोल्ड कर देता हूँ, इस रबड़ को मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा, और जो एंटॉर्क में जो होता है ना, वो पूरा थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा होता है उसका होल, और ये सही से बैठ जाता है। तो ये मैं इसमें यहाँ से डालूंगा इसमें, ठीक है, और यहाँ से इसे अलंकी से कसना स्टार्ट करूँगा, तो ये अंदर से पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो अलंकी लगाता हूँ इसमें से, तो इसमें 6 mm की अलंकी लगेगी, 6 mm की है। तो ये हमारा जो थ्रॉटल है ये पूरा घूमता है, तो इसको हमें घूमने के सही रखना है इसको, तो ये ताकि मूव करता है, थोड़ा गैप रहे इसमें, थोड़ा गैप रखना है। तो गाइस, एक बार आप देख सकते हैं फाइनल लुक कैसा आता है इसका, पूरा फाइनल लुक ऐसा आ रहा है, ठीक है। इधर से भी मैंने ये कर दिया है, तो थोड़ा गैप रखा है इसमें ताकि इसे अड़े ना इसमें, तो पूरा प्रॉपर फिनिश आ गई है। तो इससे आपकी गाड़ी पूरी एकदम सेफ रहती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।